हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप एंड वेलकम टू इंग्लिश रेलिस। चलिए देखते हैं इस वीडियो में फाइव न्यू वर्ड्स, देयर मीनिंग एंड देयर यूज इन सेंटेंसेस। और ये फाइव वर्ड्स हैं मैनिफेस्ट, आर्बिट्ररी, कोइंसाइड, कंटेंट एंड रिवर्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड इज मैनिफेस्ट, टू शो समथिंग क्लियरली थ्रू साइंस और एक्शंस। और जिसको हम क्लियरली शो करते हैं हमारा कार्य के माध्यम से और संकेत के साइन के माध्यम से, इसको कहते हैं मैनिफेस्ट करना। इसका हिंदी मीनिंग है प्रकट करना, प्रकाशित करना, प्रदर्शित करना या स्पष्ट करना। यू मैनिफेस्ट व्हाट यू बिलीव, नॉट व्हाट यू वांट। आप जो बिलीव करते हैं आप उसको शो करते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं। देन द वर्कर्स चूज टू मैनिफेस्ट देयर डिसटिस्फेक्शन इन ए सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स। जो वर्कर्स है उनका जो डिसटिस्फेक्शन है, असंतोष है, उसको शो करने के लिए उन्होंने क्या किया ना, स्ट्राइक किया। जो मैनिफेस्ट करने के लिए उन्होंने स्ट्राइक किया। द वर्कर्स चूज टू मैनिफेस्ट देयर डिसटिस्फेक्शन इन ए सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स। मैनिफेस्ट वर्ड ये एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है। इसका मीनिंग है स्पष्ट या साफ, इजीली नोटिस्ड और ऑब्वियस, जो स्पष्ट है। व्हेन आई मेक ए टेस्ट फॉर माई स्टूडेंट्स आई ट्राई टू मेक द क्वेश्चंस एज मैनिफेस्ट एज पॉसिबल सो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन। मैंने जब मेरे स्टूडेंट्स का टेस्ट लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ये क्वेश्चन को स्पष्ट किया जाए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, देन ही इज ए मैनिफेस्ट लायर, एक लायर है जो कि साफ दिखाई देता है, सो ही इज ए मैनिफेस्ट लायर। देन द एजुकेशन सिस्टम इज ए मैनिफेस्ट फेल्यूर। अभी जो एजुकेशन सिस्टम है ये फेल्यूर है, ये भी साफ दिखाई देता है। देन मैनिफेस्टली ये एडवर्ब है, इसका मीनिंग है वेरी ऑब्वियसली और साफ साफ। द गवर्नमेंट हैज मैनिफेस्टली फेल्ड टू रेज एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स डिस्पाइट इट्स कमिटमेंट टू डू सो। गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट किया था कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को बेहतर करने के लिए, ये साफ दिखाई देता है कि ये मैनिफेस्टली फेल हो चुका है। देन द स्टेटमेंट इज मैनिफेस्टली फॉल्स, ये स्टेटमेंट जो फॉल्स है ये मैनिफेस्टली या साफ साफ दिखाई देता है। देन नेक्स्ट वर्ड आर्बिट्ररी, यूजिंग अनलिमिटेड पर्सनल पावर विदाउट कंसिडरिंग अदर पीपुल्स विशेस। दूसरा लोगों का क्या विश है, क्या इच्छा है, उसको कंसिडर बिना जो आदमी, जो पर्सन उसका पर्सनल पावर इस्तेमाल करता है या विश करता है, इसको कहते हैं आर्बिट्ररी। और हिंदी में कहते हैं स्वेच्छाचारी, इच्छाधीन या एकपक्षीय। देखिए ये सेंटेंस में यूज हुआ है, ए गुड जज डज नॉट मेक आर्बिट्ररी डिसीजन। जो गुड जज होता है वो तो कभी आर्बिट्ररी या एकपक्षीय डिसीजन नहीं लेता है। देन ऑल्दो द रूल वॉज आर्बिट्ररी एंड रिडिकुलस जैक वॉज पनिश्ड फॉर ब्रेकिंग इट। हालांकि ये रूल या नियम आर्बिट्ररी था या रिडिकुलस था, ये जैक वॉज पनिश्ड फॉर ब्रेकिंग इट, ये रूल को ब्रेक करने के लिए जैक को पनिशमेंट मिला। देन इफ योर बैंक चार्जेस योर आर्बिट्ररी फीस यू शुड लुक फॉर ए न्यू प्लेस टू स्टोर योर मनी। यदि बैंक आपसे आर्बिट्ररी फी चार्ज करता है या स्वेच्छाचारी के रूप में ये फी आपके पास आपसे चार्ज करता है, तो ये बेहतर होगा आपका मनी को स्टोर करने के लिए एक दूसरा प्लेस ढूंढें। देन देखेंगे नेक्स्ट वर्ड कंटेंट, टू से दैट समथिंग इज ट्रू और इज ए फैक्ट। कंटेंट का मीनिंग होता है दावे के साथ कहना या क्लेम करना। टू से दैट समथिंग इज ट्रू और इज ए फैक्ट, इसी के सेंटेंस में यूज हुआ है। द लॉयर कंटेंडेड दैट हर क्लाइंट हैड नेवर बीन नियर द सीन ऑफ द क्राइम। जो लॉयर ये क्लेम करता है और दावे के साथ कहता है कि उसका जो क्लाइंट है ये क्राइम के स्पॉट के पास ही नहीं था। देन सम एस्ट्रोनॉमर्स कंटेंड दैट द यूनिवर्स मे बी यंगर देन प्रीवियसली थॉट। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ये क्लेम करते हैं या कंटेंड करते हैं कि हमारा जो प्रीवियसली थॉट था कि यूनिवर्स का एज के बारे में, ये भी हो सकता है यूनिवर्स का एज ये भी ज़्यादा कम होता है। देन कम्पीट, कंटेंट का दूसरा मीनिंग होता है या कम्पीट। देर आर थ्री वर्ल्ड क्लास टेनिस प्लेयर्स कंटेंडिंग फॉर दिस टाइटल। इस टाइटल के लिए थ्री वर्ल्ड क्लास टेनिस प्लेयर्स ये कंटेंट कर रहे हैं या कम्पीट कर रहे हैं। देन द फार्म इज टू स्मॉल टू कंटेंड अगेंस्ट लार्ज इंटरनेशनल कंपनीज।
ये जो फार्म है ये ज्यादा छोटा है लेकिन कम्पीट करने के लिए अगेंस्ट लार्ज इंटरनेशनल कंपनीज. ओके देन कंटेंट मीन्स कम्पीट. देन देखेंगे नेक्स्ट वर्ड कोइंसाइड. टू बी द सेम और सिमिलर, इसका हिंदी मीनिंग है अनुरूप होना या मेल खाना. टू बी द सेम और सिमिलर. माई आइडियाज कोइंसाइड विथ हिज, मेरा जो आइडिया है उसका आइडिया के साथ कोइंसाइड होता है या मेल खाता है. आवर व्यूज ऑन दिस इशू कोइंसाइड क्लोजली विथ योर्स, हमारा जो मत है या व्यू है, जो भी विचार है इस इशू के बारे में, हमारा मत उन लोगों का मत के साथ ये कोइंसाइड होता है या मेल खाता है. देन टू हैपन एट और नियर द सेम टाइम, जो एक साथ होता है इसको भी कहते हैं कोइंसाइड. इफ द हैवी रेन हैड कोइंसाइडेड विथ एन एक्सट्रीम हाई टाइड सीरियस फ्लडिंग वुड हैव रिजल्टेड, जो हैवी रेन के साथ जो एक्सट्रीम हाई टाइड या ज्वार भट्टा होता है तो फ्लड होता है. देन द लास्ट वर्ड इज रिवर्ट. रिवर्ट का मीनिंग है टू गो बैक टू बी प्रीवियस स्टेट, पूर्व स्थिति को वापस आना, इसको कहते हैं रिवर्ट. ठीक है, वापस आना. आई एम नॉट श्योर हाउ टू रिवर्ट द टेलीविजन बैक टू इट्स डिफॉल्ट सेटिंग, यह मुझे पता नहीं है कि टेलीविजन का डिफॉल्ट सेटिंग्स को कैसे वापस आना है. देन रिवर्ट का अदर मीनिंग है टू रिप्लाई. देन ये देखिए सेंटेंस, प्लीज रिवर्ट बाय ईमेल. ओके ओके फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज. ओके थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.